और आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस वक्त मंदिर में पूजा पाठ करती हुई, जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त सीधे देख सकते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक और उससे पहले ये जो तस्वीरें काफी अहम हो जाती हैं, रोहिणी आचार्य जो इस वक्त मंदिर में पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं, और देखिए लोगों की काफी भीड़ यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। लालू यादव की बेटी हैं रोहिणी, जो इस वक्त ये तस्वीरों में आप देखिए मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करती हुई, पुष्प चढ़ाती हुई, आरती करती हुई आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। और तमाम मीडिया के कैमरे इस वक्त रोहिणी आचार्य की तरफ, लालू यादव साथ में मौजूद इस वक्त मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए, पाठ करते हुए ये तस्वीरें आपके सामने। देखिए, चुनाव प्रचार का दौर इस वक्त चल रहा है और तमाम पार्टियों के बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेती हुई रोहिणी आचार्य की तस्वीरें आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त एबीपी न्यूज दिखा रहा है, जिसमें ये पहला चुनावी अभियान रोहिणी आचार्य का है, और उससे पहले की ये जो तस्वीरें हैं आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोहिणी आचार्य काफी चर्चा में आई जब उन्होंने अपनी किडनी अपने पिता लालू यादव को दी, तब काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर उनको सराहा गया। और अब देखिए ये जो तस्वीरें आप इस वक्त रोहिणी आचार्य की देख रहे हैं, ये तस्वीरें इस वक्त मंदिर की हैं, जहां पर वो पूजा पाठ कर रही हैं, पुष्प चढ़ा रही हैं और साथ में पिता भी मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। लालू परिवार मंदिर में मौजूद, चुनावी अभियान रोहिणी का ये पहला, और सवाल ये कि क्या चुनावी शक्ति यहाँ से मिल पाएगी रोहिणी आचार्य को, क्योंकि मंदिर में इस वक्त सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेता हुआ लालू परिवार आपको इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। साथ में पिता मौजूद हैं, पूरा परिवार मंदिर में है इस वक्त, और चुनाव के अभियान से पहले ये भक्ति भाव की तस्वीरें, मंदिर में पूजा पाठ की तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। पहले पूजा, पहले भगवान का आशीर्वाद और उसके बाद जनता से आशीर्वाद, महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती हैं, क्योंकि चुनाव के समय पर जनता का आशीर्वाद हर व्यक्ति चाहता है, हर नेता चाहता है, लेकिन उससे पहले भगवान के मंदिर में पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लेना उतना ही महत्वपूर्ण। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल की कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी होनी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होनी है। दरअसल आज केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है, और इससे पहले पिछली पेशी पर यानी कि 28 मार्च को ईडी ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सवालों के जवाब सीधे नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए और पूछताछ करनी है, जिसके बाद कोर्ट ने रिमांड की अवधि को बढ़ा दिया और 1 अप्रैल तक कर दी, जो कि आज खत्म हो रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं, दिल्ली में ईडी ऑफिस से मनोज वर्मा, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अंकित गुप्ता, दिल्ली विधानसभा से दीपक रावत आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले मनोज, सवाल आप ही से रहेगा, क्योंकि ये आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2 बार की रिमांड जो कि आज खत्म हो रही है, क्या ईडी आगे और रिमांड मांग सकती है कोर्ट से, क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा, जो सूत्र अभी तक जानकारी दे रहे हैं कि शायद हो सकता है कि आज ईडी रिमांड की मांग ना करे, ईडी जुडिशियल कस्टडी की मांग करे और अरविंद केजरीवाल आज जेल जा सकते हैं। दरअसल तिहाड़ जेल के अंदर पिछले 2 दिन से एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, और इस मीटिंग में ये तय किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को किस जेल में रखा जाएगा। आज भी 11 बजे तिहाड़ जेल में एक मीटिंग है, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जेल नंबर 5 को सैनिटाइज किया जा रहा है, वहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको चेक किया जा रहा है कि क्या वो सही तौर पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सूत्र अभी तक जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को जब आज अदालत में पेश किया जाएगा तो हो सकता है कि ईडी और रिमांड की मांग ना करे। इस वक्त मैं ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हूं, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को यहां से निकाला जा सकता है। तमाम दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं, और जो सामने की आप तस्वीरें देख रहे हैं वहां से अरविंद केजरीवाल को लेकर आया जाएगा, गाड़ियां अंदर जा चुकी हैं, तो किसी भी वक्त निकाला जा सकता है, क्योंकि 11:30 बजे का अदालत ने टाइम दिया था अरविंद केजरीवाल को पेश करने के लिए।
अब से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम यहां से लेकर निकलेगी, राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेगी और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज ईडी रिमांड की मांग शायद नहीं करेगी। तो ये तो और ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी ऐसे में अगर जुडिशियल कस्टडी की मांग की जाती है, यानी कि जेल जा सकते हैं जैसा कि सूत्र अभी तक जानकारी दे रहे हैं। हालांकि ये तो जब कोर्ट में पेशी होगी तब पता लगेगा, लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अंकित सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। अंकित, कितनी देर में पेशी होनी है अरविंद केजरीवाल की, कितनी देर में वो पहुंचेंगे कोर्ट? मुझे जैसी जानकारी मिल रही है, जिस बात का जिक्र मनोज ने भी किया कि कुछ देर में अरविंद केजरीवाल को वहां से निकाला जाएगा यानी कि ईडी के ऑफिस से, और उसके बाद में यहां तक पहुंचने में करीबन 15 से 20 मिनट का वक्त, और इस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो करीबन 11:10 के आसपास का वक्त हो रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि 12 बजे तक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन जिस बात बढ़ाना चाहूंगा वो इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर ईडी जो है रिमांड की मांग नहीं करती है तो उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, इसका मतलब तिहाड़ जेल में भेजा जाएगा। लेकिन वहां से अरविंद केजरीवाल के लिए एक कानूनी विकल्प भी खुल जाएगा। कैसे? जैसे ही अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में भेजने का अगर आदेश होता है, न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश होता है, तो अंकित कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, मैं वापस से आपके पास लौटूंगी, आप दुरुस्त कर लीजिए समस्या को। मैं दीपक के पास दर्शकों को लेकर चलती हूँ, दिल्ली विधानसभा से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, लगातार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, नेता हूँ, विरोध कर रहे हैं, और रामलीला मैदान में तो हमने देखा विपक्षी गठबंधन ने जिस तरीके से बीजेपी को घेरा, अभी फिलहाल क्या माहौल नजर आ रहा है, किस तरीके से आज का दिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देख रहे हैं? देखिए पूजा, आम आदमी पार्टी चाहे सड़क हो या विधानसभा हो, कहीं पर भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। इस मुद्दे को इसलिए भी आगे बढ़ाना चाहती है क्योंकि दिल्ली में लोकसभा चुनाव की जो तारीखें हैं उसकी घोषणा तो सभी जगह हो चुकी है, तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव छठवें चरण में है और वहाँ पर अभी समय है। तो अभी जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और चुनाव तक, मतदान तक इसको माहौल को क्रिएट किया जा सके, लोगों में सिंपति गेन की जा सके, उस चीज़ को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी अगले साल जनवरी फरवरी में होने हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी चाहती है कि अगर अरविंद केजरीवाल लंबे समय के लिए जेल में जाते हैं तो उसको लेकर अगले विधानसभा चुनाव तक कैसे इस माहौल को बरकरार रखना है, ये तमाम कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि आपने कल देखा कि इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक की गई, तमाम बड़े नेताओं को जोड़ा गया। हालांकि हर दल ने कहा कि वो अपने अपने मुद्दों को लेकर आए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसको ऐसा क्रिएट किया कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से इंडिया गठबंधन के तमाम दल एकजुट हुए हैं रामलीला मैदान पर। तो इसी तरीके से कुछ आज भी दिल्ली विधानसभा में करने की कोशिश है। पिछली बार भी जब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था तो कुछ लोग हथकड़ी पहनकर आए, कुछ लोग केजरीवाल की टी शर्ट पहनकर आए, कुछ लोग मुखौटा पहन कर पहुंच के आए, विरोध कर रहे थे। आज भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है और बड़ी बात यह है कि आज ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चा चल रही है, क्योंकि एलजी दो तीन बार कमेंट कर चुके हैं पब्लिकली, उसके विरोध में भी आज बड़ा विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के विधायक यहां पर करने वाले। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल की पेशी होने वाली है और किसी भी वक्त पेशी हो सकती है। सीधा दीपक के पास दर्शकों को लेकर चले, दीपक वहां से क्या अपडेट मिल रहा है? मनोज, माफ कीजिएगा मनोज, आपसे जानना चाहूंगी क्या अपडेट मिल रहा है वहां से, कितनी देर में निकल सकते हैं केजरीवाल और पहुंच सकते हैं कोर्ट? जी बिल्कुल, देखिए जब अरविंद केजरीवाल को पिछली बार पेश किया गया था तब जो ऑर्डर की कॉपी थी उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि 4 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद 1 तारीख को अरविंद केजरीवाल को 11:30 बजे अदालत में पेश किया जाए। इस वक्त मैं ईडी ऑफिस के बाहर ही मौजूद हूँ और तमाम जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और जो गाड़ियाँ हैं वो अंदर जा चुकी हैं। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कभी भी थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल को यहाँ से दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि ईडी अदालत में और रिमांड की मांग करेगी या नहीं। हालांकि सूत्रों ने ये बताया है कि आज रिमांड की मांग नहीं की जाएगी, अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे क्योंकि जेल के अंदर अधिकारियों की लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, जेल नंबर 5 को सैनिटाइज किया जा रहा है, तो यही मानकर चला जा रहा है कि आज ईडी रिमांड की मांग नहीं करेगी। मनोज आप हमारे साथ रहिए, जैसे कोई अपडेट आता है तुरंत मेरे पास लौटेगा, मैं और जानकारी आपसे लूंगी। अंकित के पास दर्शकों को लेकर चल रहे हैं क्योंकि अंकित एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि अगर जुडिशियल कस्टडी मिलती है तो केजरीवाल के लिए एक और विकल्प खुल जाता है, वो कौन सा विकल्प हो सकता है? अंकित बताइए। नियम ये कहता है, कानून ये कहता है कि जब तक आरोपी जो है जांच एजेंसी की हिरासत में रहता है उसका जो है उसको बेल मिलना आसान नहीं होता, लेकिन जैसे वो न्यायिक हिरासत में जाता है उसको बेल मिलना पहले के तुलना में आसान हो जाता है। और ऐसे में क्या हो गया अरविंद केजरीवाल, उनके वकीलों की आज की रणनीति, हमारे साथ मौजूद है संजीव नसियार जी जो कि जो केजरीवाल की लीगल टीम है। उस
मैं अंकित के पास दर्शकों को लेकर चलती हूँ, लेकिन इस वक्त ये जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं वो दर्शकों तक पहुंचाएं। तस्वीरों में सुनीता केजरीवाल को आप देख सकते हैं, जो लगातार बीते दिनों से जब से केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है तब से बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नजर आई हैं। बीते कल रामलीला मैदान में अपनी बात रखती वो नजर आई, केजरीवाल के द्वारा लिखा गया लेटर सबके सामने वो पढ़ती हुई नजर आई, और इस वक्त सुनीता केजरीवाल कोर्ट पहुंच चुकी हैं। अभी चार दिन पहले 28 मार्च को भी जब कोर्ट में पेशी थी अरविंद केजरीवाल की, तब भी सुनीता केजरीवाल यहां पर मौजूद थी, और आज भी सुनीता केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है, और ये देखिए ये तस्वीरें आ रही है, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, ईडी की टीम केजरीवाल को कोर्ट के लिए लेकर निकल चुकी है, और सुनीता केजरीवाल पहले से कोर्ट में पहुंच चुकी हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, जहां ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के लिए लेकर निकल चुकी है। मनोज, लाइव जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। जी मनोज, रास्ते से लेकर निकली है, इसी रास्ते से जो दिल्ली पुलिस की टीम थी अरविंद केजरीवाल को एस्कॉर्ट करते हुए यहां से निकली है। जैसा कि मैंने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि 11 बजे अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश करना था, तो अभी सिर्फ एक ही मिनट का वक्त हुआ है कि जब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को यहाँ से लेकर निकली है। यहाँ से कोर्ट तक पहुँचने में सिर्फ मात्र 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि पुलिस की गाड़ियाँ एस्कॉर्ट कर रही है। 10 मिनट में अरविंद केजरीवाल अदालत में पहुँच जाएंगे, यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट पहुँच जाएंगे। अब ये देखना होगा, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि आज ईडी कस्टडी की मांग नहीं करेगी, यानी कि अरविंद केजरीवाल आज जेल जाएंगे, क्योंकि जेल के अंदर 2 दिन से एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। अरविंद केजरीवाल को किस जेल में रखा जाएगा इसको लेकर के बातचीत की जा रही है। आज भी जेल के अंदर एक मीटिंग चल रही है, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जेल नंबर 5 को सैनिटाइज किया जा रहा है, तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 5 में रखा जाए। अभी थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल अदालत में पहुंच जाएंगे, वहां पर आगे की जानकारी आपको अंकित गुप्ता देंगे कि वहां पर क्या होने वाला है। लेकिन मनोज, कितना ये डिस्टेंस है, कितनी देर की दूरी है जब अरविंद केजरीवाल और ईडी की टीम कोर्ट में पहुंचेगी? जी बिल्कुल, देखिए 10 मिनट की दूरी है यहाँ से राउज एवेन्यू कोर्ट की, बहुत ज़्यादा कोर्ट जो है वो यहाँ से दूर नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ भी एस्कॉर्ट कर रही हैं, इसलिए रास्ते को बिल्कुल क्लियर करा दिया गया है। जब भी अरविंद केजरीवाल यहाँ से निकलते हैं तो पूरे रास्ते को क्लियर करवा दिया जाता है, ताकि रास्ते में कोई अड़चन ना आए। इसी वजह से 10 मिनट के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुँच जाएंगे, उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है अभी तक की हमें, कि अरविंद केजरीवाल की आज ईडी रिमांड की मांग नहीं करेगी, आज अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी की मांग की जाएगी। अभी तक अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड ईडी ले चुकी है, पहले 6 दिन की रिमांड मिली थी और उसके बाद 4 दिन की रिमांड मिली थी। हालांकि पीएमएलए में 14 दिन की रिमांड ली जा सकती है, यानी कि 10 दिन की रिमांड ईडी अभी तक ले चुकी है, 4 दिन अभी ईडी के बाकी हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ईडी और 4 दिन की रिमांड की मांग करे, क्योंकि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी तक लगातार जारी है। और पिछली सुनवाई में भी ये साफ तौर पर ईडी ने कहा था कि जो गोवा में जो पैसा था, जो आया था 100 करोड़ रुपए, उसमें से 45 करोड़ रुपए का जो इस्तेमाल था वो गोवा चुनाव में हुआ था, गोवा के कुछ लोगों से। मनोज, तो बड़ी खबर दर्शकों के लिए ये है कि ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर निकल चुकी है, और अब से थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पहुंच जाएंगे। हमारे साथ 3 सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अंकित, मनोज और दीपक। अंकित गुप्ता के पास सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट से हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अंकित, वहां पर सुनीता केजरीवाल को हमने देखा, वो कोर्ट में पहुंच चुकी हैं, लेकिन उनके अलावा क्या आम आदमी पार्टी सरकार में कोई और मंत्री भी है जिन्हें आप देख पा रहे हैं कोर्ट में इस वक्त? जी बिल्कुल, पंजाब से जुड़े हुए आम आदमी पार्टी सरकार के जो मंत्री और विधायक हैं वो कुछ यहाँ पर पहुंचे हैं, और फिलहाल जो है कोर्ट रूम पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है, और इसी वजह से जो सुरक्षा के इंतजामों के तहत अब गिने चुने लोगों को जो कि केस से जुड़े हुए हैं, और गिने चुने जो, ऐसा नहीं है कि सभी जर्नलिस्ट को भी, गिने चुने जर्नलिस्ट को ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है, क्योंकि कोर्ट रूम पूरा खचाखच भरा हुआ। और जिस बात का जिक्र मनोज ने किया है, अरविंद केजरीवाल अगले 10 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे, जिस बात का जिक्र मनोज कर रहे थे और कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल
और ये देखिए यहाँ पर मूवमेंट होना शुरू हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि आपको तस्वीरें दिखा सके, हालांकि एकदम से पुलिस के अचानक मूवमेंट हुआ है। मोहित आप तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर हलचल होनी शुरू हुई है और गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ है। और ये देखिए पूरा जो रास्ता है वो जो खाली करवाया जा रहा है और बैरिकेडिंग कर दी गई है इस पूरे रास्ते पर। और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले कुछ मिनटों में, यानी कि अगले 5 से 10 मिनट में कभी भी, और ये देखिए पुलिस ने जो पूरे रास्ते को जो है खाली करवा दिया है और इसको एक तरीके से बैरिकेड किया जा रहा है जिससे कि लोग इस रास्ते पे आगे ना पहुंचे, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपनी सुरक्षा है जिसको लेकर के कंसर्न्स भी जाहिर किए जाते रहे हैं। और ये वो मुख्य द्वार है जिससे अरविंद केजरीवाल को अंदर लेकर के जाया जाएगा। और यहां पर जो हलचल है ये देखिए पुलिस ने पूरा जो रास्ता है इसको जो है बैरिकेड से बंद कर दिया है, यानी कि जो मीडिया कर्मी है, जो हम लोग हैं, हम लोग भी जो है इस बैरिकेड के पीछे, और क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते पुलिस की जो सुरक्षा घेरा है उसका सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री की अपनी सुरक्षा भी है वो भी है, और उसके अलावा मुख्यमंत्री को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इस वजह से ये जो पूरा रास्ता है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैरिकेड के उधर से वो गाड़ियां आएंगी जहां से अरविंद केजरीवाल को लाया जाएगा ईडी के मुख्यालय से और कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इस सबके बीच में गिनी चुनी गाड़ियां जो कि बीच में फंसी हुई थी उनको भी निकाला जा रहा है। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें एक तरह से बढ़ेंगी भी, लेकिन एक राह आसान भी होगी। मुश्किलें बढ़ेंगी ऐसे कि अगर ईडी उनको जो है अपनी हिरासत में नहीं रखती है तो अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में जाना होगा, वही तिहाड़ जेल जहां पर मनीष सिसोदिया जो है पिछले साल भर से ज्यादा समय से बंद है, सत्येन जैन जो पिछले करीबन 2 साल से बंद है, और संजय सिंह जो कि जो है यहां पर करीबन पिछले 6 महीने से बंद है, उसी तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को जाना होगा। लेकिन थोड़ी सी जो आसानी होती है कानूनी शब्दों में जिसको कहें वो ये होती है कि जब तक आरोपी, मोहित आप तस्वीरें दिखाते रहिए, जब तक आरोपी जो है न्यायिक हिरासत में नहीं जाता है उसको जमानत मिलना आसान नहीं होता, जब तक वो जांच एजेंसी के पास में रहता है, क्योंकि जांच एजेंसी का ये दावा होता है कि जो आरोपी है उससे पूछताछ करनी है। ऐसे में अमूमन कोर्ट ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन जैसे ही आरोपी न्यायिक हिरासत में जाता है तो माना यह जाता है कि न्यायिक जो एजेंसी है, जो जांच एजेंसी है, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसकी जो है जांच अपने लेवल पर पूरी हो गई, कोई पूछताछ नहीं करनी है। ऐसे में आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, और जब न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो आरोपी की तरफ से जमानत याचिका लगाई जा सकती है। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अगर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, उनके वकीलों से अभी जब हम बात कर रहे थे उन्होंने भी कंफर्म किया कि न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद में जमानत याचिका लगाई जाएगी, यानी कि बेल एप्लीकेशन मूव की जाएगी। क्या राहत मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो आगे की कार्रवाई के दौरान पता चलेगा, लेकिन जमानत याचिका लगाने का रास्ता खुल जाता है। लेकिन मोहित ये तस्वीरें दिखाइए, इस वक्त एक तरीके से ये जो कोर्ट के बाहर का रास्ता है ये ग्रीन कॉरिडोर सा बना दिया गया है, गिनी चुनी गाड़ियां या तो वो वकीलों की हैं वो आपको आती हुई दिख रही हैं, या फिर जो है आपको जो सुरक्षा एजेंसीज हैं यानी कि जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं और दिल्ली पुलिस की जो जांच एजेंसी, जो दिल्ली पुलिस के जो है अधिकारी हैं उनकी गाड़ियां, तो इस वजह से इस पूरे जो रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। और ये दिखाइए मोहित ये गेट नंबर पांच ये वो जो है गेट है जहां से अरविंद केजरीवाल को लेकर के जाया जाएगा, और इसी का 5वां तला, मोहित अगर आप हम बिल्डिंग दिखा सकते हो तो इस वक्त ये जो 5वां तला है कोर्ट नंबर 502 जो है वहां पर अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। और कोर्ट रूम की बात करता हूं तो कोर्ट रूम तो पूरा खचाखच भरा ही है, कोर्ट रूम के बाहर भी बहुत ज्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं, और इसी वजह से बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों को कोर्ट रूम के बाहर भी जो वहां तैनात किया गया है। मकसद क्या है? मकसद यह है कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर के जो लगातार चिंता जाहिर की जाती है वो किसी भी तरीके से जो है वहां पर सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में भी वो सिटिंग सीएम है, मुख्यमंत्री है, और वैसे भी जब भी किसी आरोपी को लाया जाता है अगर संवेदनशील मामला होता है तो सुरक्षा घेरा खड़ा होता है। मोहित एक बार फिर से ये गाड़ियां दिखाइए जो इस वक्त यहां पर आ जा रही हैं, ये जो वकीलों की गाड़ियां हैं वो आ रही हैं, लेकिन इन्हीं में बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कोर्ट पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल, अब से थोड़ी ही देर में उनकी कोर्ट में पेशी होने वाली है, और आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 बार की कस्टडी जो है वो आज खत्म हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आगे ईडी क्या और कस्टडी की मांग करेगी या फिर न्यायिक हिरासत की मांग होगी, एक बड़ा सवाल है। सीधे आपको अंकित के पास लेकर चलते हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंकित। अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंच चुके हैं, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कितनी देर बाकी पेशी होने में।
जी बिल्कुल, कोर्ट परिसर में दाखिल हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। आपसे करीबन 3 से 4 मिनट पहले अरविंद केजरीवाल यहां पहुंचे हैं, लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना, यहां पर इस वक्त जो है जो दिल्ली पुलिस ने पूरा एक सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, और इन बैरिकेड्स के पास में जो गेट है इससे और पहले जो गेट था वहां से लेकर के गए हैं। और इस वक्त जो अरविंद केजरीवाल को जो 5वां तला है, यानी कि जो 5th फ्लोर है जहां पर 502 नंबर की कोर्ट है, जहां पर उनकी पेशी होनी है, वहां पर ले जाया जा रहा है। यहां पर पहले उनको लॉकअप में लाया गया और उसके बाद में वहां से जो है उनको लेकर जाया जा रहा है 5वें फ्लोर पर। तो ईडी के अधिकारी उनको लेकर के पहुंचे हैं, लेकिन जिस बात का जिक्र मनोज कर रहे थे ना कि आज का दिन महत्वपूर्ण इस वजह से है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी मुमकिन है कि वो ये कह दे कि अब हमको जो है अरविंद केजरीवाल की कस्टडी नहीं चाहिए, और अगर कस्टडी नहीं चाहिए तो उसका अगला जो क्या वो कदम होता है वो ये होता है कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। न्यायिक हिरासत अमूमन 14 दिन की होती है और 14 दिन पे हर 14 दिन पे वो बढ़ती रहती है। इसके उदाहरण के लिए हमको समझना होगा मनीष सिसोदिया या संजय सिंह या सतीन जैन का केस, जहां पर उनको जैसे ही जांच एजेंसी की हिरासत से भेजा गया न्यायिक हिरासत में यानी कि जेल में, उसके बाद से हर 14 दिन पर उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, फिर चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो या फिर उनकी जो यहां पर हाजिरी करवाई जाए, और उसके बाद में उनकी वो न्यायिक हिरासत बढ़ती जाती है। तो ऐसे में अगर ईडी यानी कि जांच एजेंसी अपनी हिरासत की मांग नहीं करती है और उनको न्यायिक हिरासत में भेजने की बात करती है, तो मुमकिन है अरविंद केजरीवाल अब उसी तिहाड़ में पहुंच जाए जहां पर पिछले करीबन 2 साल से सत्येन जैन, पिछले 1 साल से मनीष सिसोदिया, पिछले 6 महीने से संजय सिंह और पिछले करीबन 1 महीने से के कविता बंद है। यानी कि साफ तौर पर इस घोटाले से जुड़े हुए, हालांकि सत्येन जैन सीधे तौर पर अभी वो इस घोटाले से नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया की बात की जाए, संजय सिंह की बात की जाए, के कविता की बात की जाए, ये वो तमाम लोग हैं जो इसी मामले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। और इस वजह से अरविंद केजरीवाल को अगर आज यहां पर ईडी अपनी हिरासत में नहीं लेती है तो मुमकिन है कि उनको उसी तिहाड़ जेल में भेजा जाए जहां पर इस मामले के पहले से ही 3 आरोपी, और ये जो मुख्य आरोपी हैं जिनको हम ये कह सकते हैं, या ये वो प्रोमिनेंट फेसेस हैं जो बंद हैं। इसके अलावा केस से जुड़े हुए अन्य आरोपी भी बंद हैं। तो फिलहाल इस वक्त अरविंद केजरीवाल को जो 5वां फ्लोर है वहां पर ले जाया गया है जहां पर ये कोर्ट रूम है, और कोर्ट रूम में अगले कुछ मिनटों के अंदर अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। तो फिलहाल कोर्ट रूम में जहां पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पहले से ही मौजूद थी, अब जो है आम आदमी पार्टी के कई और नेता मौजूद हैं, उनके वकीलों की टीम मौजूद है, और उनकी कोशिश यही होगी, वकीलों से जब हमने बात की है तो उनकी कोशिश यही होगी कि अरविंद केजरीवाल को जब वहां पेश किया जाए और न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो उनकी तरफ से जमानत याचिका लगाई जाए। और हम कोशिश करेंगे, वो तस्वीरें सामने आ गई हैं जो अरविंद केजरीवाल को जब कोर्ट रूम में पेश किया जा रहा है, अगले कुछ सेकेंड्स में हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल सुरक्षा घेरे में पहुंच चुके हैं कोर्ट रूम में, और फिलहाल उनके चेहरे पर हालांकि किसी तरीके का तनाव भले ही ना हो, लेकिन यकीन मानिए जब भी जो है इस तरीके से हिरासत में होते हैं तो तनाव भले ही आप दिखाएं ना दिखाएं बढ़ जाता है। और फिलहाल इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट रूम में पेश कर दिया गया है, यानी कि सुरक्षा घेरे में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट रूम में पेश कर दिया गया है जहां पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता पहले से मौजूद हैं। हालांकि बहुत ज्यादा जो है लोगों को उनसे बात करने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि उनकी पत्नी है सुनीता केजरीवाल है, जब तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं होती है, जज जब तक नहीं बैठती है, या अगर बैठी भी होती है तो उनसे परमिशन लेकर के वो उनसे मुलाकात कर सकती है, बात कर सकती है। हालांकि वैसे तो सुनीता केजरीवाल को उससे पहले भी जब वो ईडी की हिरासत में थे तब भी उनसे मुलाकात करने की इजाजत दी गई थी, हालांकि उसको लेकर भी अपने आप राजनीति जरूर होती रही है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहे कि कैसे मिल रही है, कैसे ये आदेश दिए जा रहे हैं, वो तमाम पहलू अलग है। लेकिन फिलहाल इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट रूम में पेश किया गया है, और अब जो है ईडी की तरफ से अपना रुख साफ किया जाएगा कि क्या उनकी पुलिस हिरासत, जिसको जो ईडी की हिरासत हम कह सकते हैं इस केस में, क्या ईडी की हिरासत की जरूरत है या नहीं, और अगर नहीं है तो ईडी की तरफ से कहा जा सकता है कि उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल की तरफ से किसी तरीके से कोई बेल एप्लीकेशन यानी कि जमानत याचिका मूव की जाती है तो ईडी की तरफ से साफ तौर पर उसका विरोध भी किया जाएगा, यही कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल एक प्रभावशाली नेता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आज की तारीख में भी है, उनका एक जो है अपना रसूख है, ऐसे में अगर उनको जमानत दी जाती है। बड़ी जानकारी, केजरीवाल को कोर्ट में पेश कर दिया गया, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, केजरीवाल की कोर्ट में पेशी हो गई है। जैसा कि अभी अभी अंकित बता रहे थे कि केजरीवाल को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, अब आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता हो जाता है अपने आप में, देखना होगा कि आज कोर्ट में क्या होता है, क्योंकि केजरीवाल की पेशी कोर्ट में हो चुकी है। ये देखिए, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी, और आज
फैसला होगा कि क्या आगे कस्टडी और मांगी जाती है ईडी की तरफ से या न्यायिक हिरासत की मांग होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहत मिलती तो नजर नहीं आ रही है अरविंद केजरीवाल को। और ये जो पहली तस्वीरें आप इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी हो चुकी है। अंकित हर जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अंकित, पिछली बार चार दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी हुई थी तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात भी रखी थी, लेकिन साथ ही साथ ईडी ने कहा था कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं जो भी उनसे पूछताछ हो रही है उसमें। आज के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो क्या हो सकते हैं कोर्ट में पेशी के? देखिए, सबके बीच में पहले बड़ी खबर ये दे देता हूँ कि मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दो वरिष्ठ वकील हैं वो कोर्ट रूम में नहीं मौजूद हैं, बल्कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो रहे हैं। और वहीं जो ईडी के जो वकील हैं एएसपी राजू, वो भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट में पेश हो रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि वकीलों के आने जाने में वक्त लगा था, उसकी वजह से कोर्ट की सुनवाई भी जो है कुछ देर के लिए जो है लंबी खिंच गई थी या इंतजार करना पड़ा था। तो आज क्योंकि वकील नहीं पहुँच पा रहे हैं और सबके बीच में जो है बाकी अलग अलग मामलों अदालतों में भी मामले लंबित होंगे वकीलों के, तो मुमकिन नहीं है, इसी वजह से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो रहे हैं। तो मामले की सुनवाई शुरू हुई है और कोर्ट को जानकारी दी गई है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो पेश हो रहे हैं, जो दो वकील हैं, ऐसा नहीं है कि कोई वकील नहीं है, यहां पर बहुत सारे और भी वकील हैं, लेकिन जो एक सीनियर एडवोकेट है, सीनियर वकील है रमेश गुप्ता, जो कि इस मामले में दलील भी दे रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी के साथ में, वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त के लिए जानकारी यही है कि इस मामले की सुनवाई शुरू हुई है और कोर्ट को बताया गया है कि वकील किस तरह से पेश हो रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ मिनटों के अंदर ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या अरविंद केजरीवाल को जो है ईडी की हिरासत मांग रही है या नहीं मांग रही है। लेकिन अब तक के लिए जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जज जो बैठी हैं उनके लेफ्ट हैंड साइड पर जो कटघरा एक होता है उसके पास में खड़े हुए हैं, सुरक्षा घेरे में खड़े हुए हैं, उनकी पत्नी जो उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई है और इस वक्त अभी जो है दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बातचीत तो नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट में आए थे तो उनकी अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल से हालचाल जरूर जाना है, लेकिन मुमकिन है कि जब अरविंद केजरीवाल को यहां पर जो कोर्ट में जो सुनवाई पूरी हो जाए तो उनकी मांग की जाए कि मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, वो आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन इस वक्त के लिए अभी की खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और मामले की सुनवाई शुरू हो रही है। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर यही है कि केजरीवाल पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट, पेशी हो चुकी है कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की और कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। अंकित कुछ बता रहे हैं। जी अंकित। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है कि ईडी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, यानी कि ईडी की तरफ से कह दिया गया है कि हम हिरासत की मांग नहीं कर रहे हैं। 10 दिन की हिरासत के बाद में अब ईडी की तरफ से कह दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, क्योंकि हमारी अभी तक की जो पूछताछ थी वो पूरी हो गई है, लेकिन अगर हमको जरूरत होगी तो बाद में फिर इनको हिरासत में लेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे सहयोगी जो वरुण जैन इस वक्त जो है अंदर मौजूद है कोर्ट रूम में, उन्होंने साफ तौर पर यह जानकारी दी है कि ईडी ने कह दिया है कि अब तक की हमारी जो पूछताछ है वो पूरी हो गई है और अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, लेकिन जरूरत होगी तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को जो हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। यहां पर एक नियम भी बता देता हूं, नियम यह कहता है कि आरोपी को 14 दिन तक के लिए न्याय जो जांच एजेंसी है वो अपनी हिरासत में रख सकती है। ऐसे में अभी तक केजरीवाल 10 दिन के लिए जो इसकी हिरासत में रहे हैं, तो ऐसे में अभी भी जो जांच एजेंसी है उसके पास में ये विकल्प खुला है कि अगर वो न्यायिक हिरासत में जाते हैं और किसी वक्त पर जांच एजेंसी को ऐसा लगता है कि इनसे और पूछताछ करनी है तो उनको दोबारा कस्टडी में अपने ले सकती है अगले 4 दिनों के लिए। तो ये तो हुआ नियम और कानून की बात, लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल अब ईडी की हिरासत में तो नहीं जाएंगे, अब वो जाएंगे तिहाड़ जेल। लेकिन सबसे बड़ी अब यहां पर सवाल यही है कि यहां पर इस मामले में क्या वो उनकी तरफ से जमानत याचिका लगाई जाती है। एक और जानकारी निकल के सामने आ रही है, ईडी की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया है। ईडी की तरफ से बड़ा आरोप कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 दिनों के दौरान ईडी की कस्टडी में भले रहे लेकिन जांच में सहयोग नहीं किया। वो ऐसे जवाब देते रहे जो कि बचने वाले थे, यानी कि बचने वाले जवाब देते रहे हैं। ये जो है आरोप लगाया है ईडी ने कोर्ट के सामने और ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ईडी एक तरह से वो जो है ग्राउंड भी तैयार कर रही है जिसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल
को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए लेकिन उनको जमानत ना दी जाए। भले ही अभी जमानत याचिका पर बात नहीं शुरू हुई है लेकिन ईडी की तरफ से ये ग्राउंड जरूर तैयार किया जा रहा है कि अगर जो है ये कहते हैं कि हमको जमानत दे दी जाए तो उनको ना दी जाए, क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जी तो बड़ी खबर यह है कि ईडी ने जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत की मांग कर ली है अरविंद केजरीवाल के लिए, और अगर कोर्ट न्यायिक हिरासत की इजाजत देता है तो अरविंद केजरीवाल को जेल जाना होगा। हालांकि उनके पास अभी आगे जमानत अर्जी को दाखिल करने का ऑप्शन है लेकिन वो बाद की बात है। फिलहाल ईडी की तरफ से न्यायिक हिरासत की मांग की गई है और साथ ही साथ ईडी ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल से जो 10 दिन में पूछताछ हुई है उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो भी जवाब दिए वो गोलमोल जवाब थे, वो बचने वाले जवाब थे, उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया है। इसी के साथ ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत की मांग कर ली है। अंकित, क्या कोर्ट में अरविंद केजरीवाल भी अपनी बात रखेंगे? जी ऐसा लगता तो नहीं है क्योंकि फिलहाल अभी तक इस तरीके की जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन हाँ क्योंकि वो एक आरोपी हैं और उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा सकता है। इससे पहले की सुनवाई के दौरान भी दिया गया था, मुमकिन है कि आज फिर दिया जाए, लेकिन पिछली सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने जो एक बात कही थी कि हाँ अगर ये जो है ईडी हमको अपने साथ में ले जाना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है तो मैं तैयार हूँ, तो उनके वकील ने इस बात को लेकर के बाहर जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने रमेश गुप्ता ने जरूर कहा कि जब वो खुद कह रहे थे कि हाँ मैं जाँच करने के लिए तैयार हूँ, ईडी के साथ जा सकता हूँ, तो ऐसे में उनको जो है इसी वजह से कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेज दिया। लेकिन अब क्योंकि जब जो है यहां पर साफ हो गया है कि ईडी अपनी हिरासत में नहीं ले रही है यानी कि न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, जेल में भेजा जा रहा है, तिहाड़ जेल में भेजा जा रहा है, तो फिर अब मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जैसे उनके वकील अपनी दलीलें रखें वहां पर जमानत याचिका लगाएं, और अगर अभी नहीं लगाते हैं तो यकीन मानिए कि अगले जो है 24-48 घंटे के अंदर वो ये जमानत याचिका लगा दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जमानत मिल जाए। हालांकि इतना आसान नहीं होगा क्योंकि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का केस भी हमने देखा हुआ है और अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी के अपने जो है जो दलीलें रही हैं। लेकिन इस सबके बीच में यह साफ कर देना जरूरी है, हमारे सहयोगी जो वरुण जैन है वो लगातार यही कह रहे हैं कि ये जो जिस बात का जिक्र मैंने किया था कि अब तक जो है अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं दिया है, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, सवालों जो उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं घुमा फिरा करके उसका जवाब दे रहे हैं, सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो इस वक्त जो है यहाँ पर लगातार खबर यही है कि उनकी तरफ से ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की हम न्यायिक हिरासत की मांग जरूर कर रहे हैं लेकिन इस शर्त के साथ कि हमको जरूरत होगी तो फिर इनको ईडी अपनी कस्टडी में लेगी। और यहां से ईडी की ये जो दलील है ना ये कानूनी तौर पर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि ईडी के पास अभी 4 दिन की जो अरविंद केजरीवाल की हिरासत है वो जो है वो वक्त बाकी है और वो ईडी जब चाहे इस्तेमाल कर सकती है, और अगर अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं तो वहां से भी उनको लिया जा सकता है। जी ठीक है, मैं अंकित वापस से आ रही हूं आपके पास। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में पेशी से पहले जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे तो उस पर उन्होंने क्या कहा है वो दर्शकों को सुना रहे। पूरा मीडिया गठबंधन के खिलाफ के लिए जुटा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है, पूरा मीडिया गठबंधन के खिलाफ के लिए जुटा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है, पूरा मीडिया गठबंधन के खिलाफ के लिए जुटा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। एक लाइन में अरविंद केजरीवाल ने बात कही कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। इससे पहले 28 मार्च को उन्होंने कहा था मेरे खिलाफ सियासी साजिश है और आज वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। अंकित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हर जानकारी विस्तार के साथ आपको बता रहे हैं। अब अंकित, कानूनी प्रक्रिया किस तरीके की आगे रह सकती है, जैसा कि हम जमानत अर्जी को लेकर भी बात कर रहे थे क्योंकि अब तो न्यायिक हिरासत मांग ली है ईडी ने, इसी के साथ कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा से ईडी की कस्टडी में भी ले सकते हैं, अरविंद केजरीवाल के पास क्या क्या विकल्प बचते हैं? देखिए इस वक्त सबसे पहला जो विकल्प अरविंद केजरीवाल के पास में यही है, उनके वकीलों के पास में, कि जैसे ही आदेश होता उनके वकील वहीं पर फौरन कोर्ट से कह सकते हैं कि ये लीजिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से जमानत याचिका दायर हमने कर दी है और इस पर भी अभी सुनवाई कर लीजिए। हालांकि वो उसमें जो थोड़ा वक्त भी लगता है, क्यों? क्योंकि जब भी जो जमानत याचिका दायर होती है तो जो जांच एजेंसी वो कहती है कि इस पर अभी हमको अपना जवाब देना है, फिर उसके लिए एक नई तारीख मिलती है, फिर उस पर जो जवाब दिया जाता है, विरोध किया जाता है, तो वो एक आगे की प्रक्रिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से मुमकिन है, मैं फिर उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुमकिन है कि जैसे ही न्यायिक हिरासत में भेजने
आदेश कोर्ट करे, वहां पर अरविंद केजरीवाल के वकील उनके लिए जमानत याचिका मूव करे। लेकिन फिलहाल अभी जो है कोर्ट रूम में जो है सुनवाई जो चल रही है उसमें ईडी के वकील यही बता रहे हैं कि हमने 10 दिनों के दौरान इनसे पूछताछ की है, इन्होंने सहयोग नहीं किया है, और वो एक ग्राउंड भी तैयार कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि एक आधार तैयार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद उनको जमानत ना मिले, ये कहते हुए कि इन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, ये सवालों का जवाब घुमा फिरा के देते रहे हैं। और यकीन मानिए, जैसे ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस मामले में जमानत याचिका दायर की भी जाती है, और ये लीजिए एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये आ रही है कि यहाँ पर ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने इनसे जो डिजिटल डिवाइस इकट्ठा किए हैं इनके पास से, ये उसका पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, और जो उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं। ये इसी तरीके के लगातार हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो ये साफ दोहरा रहा हूँ, ये ईडी के आरोप हैं, जो कि कोर्ट में ईडी की जो दलीलें हैं ये कोर्ट में रखी जा रही हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ये कहते हुए कि जरूरत पड़ने पर हम इनसे फिर पूछताछ करेंगे, लेकिन इन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सवालों का जवाब घुमा फिरा कर देते रहे। तीसरी चीज, यहां पर इनसे जो पासवर्ड इनके मांगे गए वो इन्होंने नहीं दिए। और चौथी चीज, जो कि ईडी की दलील है, कि जब इनसे कोई भी सवाल पूछा गया इन्होंने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, या मुझे याद नहीं। तो अब तक ये 4 मुख्य दलीलें जो ईडी ने कोर्ट के सामने पेश की हैं। जी, और अंकित, यही दलीलें हैं जो ईडी की तरफ से पिछली बार भी पेश की गई थी। उन्होंने कहा था कि फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं उनके सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, और आज भी वही दलीलें ईडी की तरफ से अंकित कुछ बता रहे हैं, कुछ अपडेट है शायद अंकित के पास। जी अंकित। जी बिल्कुल, एक बड़ी खबर आया है कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ, जिस बात का मैंने जिक्र किया था ना कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी को भेजा जाता है, और आज से अगर हम 14 दिन जोड़ते हैं तो 15 अप्रैल, यानी हमने अपने दर्शकों को कुछ देर पहले जो जानकारी दी थी कि अरविंद केजरीवाल को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो वो न्यायिक हिरासत बढ़ती रहती है। और इस सबके बीच में ये लीजिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन मूव हो गई है, जिसमें यह कहा गया है कि उनको खाने के लिए स्पेशल डाइट दे दी जाए, क्योंकि वो जो खाना खा रहे हैं वो उनको कई तरह की बीमारियां हैं, उनको खाने के लिए स्पेशल डाइट चाहिए, कुछ किताबें चाहिए, और उन्होंने एक जो है धार्मिक एक माला है उसकी भी मांग की है, यानी वो जो पहने हुए गले में, क्योंकि जो आप जेल में जाता है कोई भी आरोपी तो वहां पर उसका जो तमाम जो सामान है वो बाहर रखवा दिया जाता है, परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। तो ऐसे में जो है उनकी तरफ से अभी ये एप्लीकेशन लगाई गई है कि मेरे को किताबें दे दी जाए, मैं जो एक माला पहना हुआ हो उसकी अनुमति दी जाए, और उसके अलावा खाने के लिए जो उनका एक स्पेशल डाइट है वो उनको दे दी जाए। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी तक बेल एप्लीकेशन भले ही ना मूव की गई हो, लेकिन ये जो है साफ हो गया है कि उनको अगले 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, और उन्होंने जेल जाने से पहले कुछ राहत की मांग की है, राहत इन द सेंस कि उनको खाने के लिए घर का खाना या स्पेशल डाइट, कुछ जो किताबें उनको अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाए। तो क्या ये माना जाए कि फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल बेल एप्लीकेशन नहीं मूव कर रहे हैं, या उन्होंने ये रणनीति बनाई है कि अभी वो जमानत नहीं लेंगे? क्या ये कोई राजनीतिक उनकी रणनीति है, क्या कानूनी रणनीति है, इस पर तो बाद में चर्चा होती रहेगी, लेकिन फिलहाल के लिए अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, और अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से जमानत याचिका तो नहीं लगाई गई है, हालांकि कुछ चीजों की मांग जरूर की गई है। जी, तो बड़ी खबर यह है कि ईडी ने न्यायिक हिरासत मांगी थी और अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने हालांकि थोड़ी सी राहत मांगी है, स्पेशल डाइट की मांग की है, कुछ किताबों की मांग अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। हालांकि अब वो किस तरीके का कानूनी विकल्प अपने लिए चूज करते हैं, उठाते हैं, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अंकित, इन सबके बीच सियासत को लेकर एक बड़ा सवाल उठता है, राजनीति को लेकर एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हो, कहते आए कि जेल के अंदर से सरकार चलेगी, हालांकि एलजी ने कहा भी कि जेल के अंदर से सरकार नहीं चला सकते। अब न्यायिक हिरासत में जाने के बाद क्या होगा अरविंद केजरीवाल का?
देखिए ये तमाम जो सवाल हैं जो निश्चित तौर पर खड़े होंगे और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर तो अभी तक ईडी की कस्टडी में थी तो वहाँ पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को उनसे मिलने की इजाज़त थी। सुनीता केजरीवाल लगातार ये कह रही थी कि मैं जब अरविंद जी से मिली तो अरविंद जी ने ये संदेश दिया, वो जो है बाहर बता रही थी, लेकिन अब जेल के अंदर जब वो चले जाएंगे तो किस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ेगा ये अपने आप में इसको लेकर के राजनीति भी होगी, कई तरह के कानूनी सवाल भी होंगे, संवैधानिक सवाल भी उठेंगे और इनका जवाब अगले कुछ दिनों में सामने आएगा। लेकिन अभी तक की जो जानकारी के मुताबिक तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई गई है यहाँ पर, क्योंकि अब हम अरविंद केजरीवाल हैं, राजनेता हैं, कल हमने देखा दिल्ली में जो है इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक बड़ी रैली भी हुई है। क्या ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल ने ये एक राजनीतिक फैसला ले रहे हैं कि अभी वो जमानत नहीं लेंगे, क्या ये अपने आप में सवाल है, या उनके वकीलों ने उनको सलाह दी है, क्योंकि इस मामले में देखा गया है कि मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, के कविता हो, उन लोगों को जमानत नहीं मिली है, तो अभी आप वेट कीजिए जब तक किसी और को नहीं मिल जाती है, क्या ये उनको कानूनी सलाह दी गई है। तो ये देखिए ये तमाम विकल्प हैं, ये जो तमाम जो चर्चा है, जो तमाम पहलू हैं जिन पर हम चर्चा जरूर कर सकते हैं, लेकिन कानूनी पहलू के लिहाज से बात की जाए तो कानूनी पहलू यही है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत से अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, उसी तिहाड़ जेल में उनको रखा जाएगा जहां पर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता मौजूद हैं, जो कि एक्साइज स्कैम यानी कि जो कथित ये जो शराब घोटाला है उससे जुड़े हुए हैं, और अब अरविंद केजरीवाल भी उसी तिहाड़ जेल जाएंगे। लेकिन ये भी बताना को मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, उनको जमानत नहीं मिली थी। के कविता की जमानत याचिका पर अभी सुनवाई लंबित है, मुमकिन है यहां पर कि के कविता के जमानत याचिका पर जिस तरीके का आदेश आए उसको देखकर अरविंद केजरीवाल अपनी रणनीति तय करें, क्योंकि अगर वो सह आरोपी हैं उनको जमानत मिलती है तो अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं कि मुझे भी इस आधार पर जमानत दी जानी चाहिए, तो मुमकिन है कुछ इस तरीके की रणनीति पर विचार चल रहा हो। लेकिन अंकित ये भी तो मुमकिन है कि अगर जमानत अर्जी अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाखिल की जाती है तो उसे खारिज कर दिया जाए ये कहकर कि वो प्रभावशाली व्यक्ति है, जांच पर फर्क पड़ सकता है, ये भी तो संभावना है ना। बिल्कुल ये संभावना है और ईडी इसका पुरजोर विरोध करेगी, और ईडी की अब तक की दलीलों से ही साफ भी हो गया है कि ईडी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जांच में जब हमारी कस्टडी में है तभी ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तभी पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, अगर ये बाहर निकलेंगे तो फिर ये है इनको ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें बाद की बात है। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है यानी तिहाड़ जेल में भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर प्रक्रिया क्या होगी वो भी बता देते हैं अपने दर्शकों को कि अरविंद केजरीवाल देखिए यहाँ पर आए थे ईडी अधिकारियों के साथ में, कोर्ट में आए थे, पिछली दो बार से आ रहे थे, या यूं कहें कि 22 तारीख को आए थे, 28 तारीख को आए और आ जाए, तो वो ईडी के अधिकारियों के साथ में आए थे और वो यहां से गए थे, तो